नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेमराज पाटिल और आप देख रहे हैं निफ्टी के सिकंदर चैनल। दोस्तों, हम इस वीडियो में हम टाटा मोटर्स की बात करने वाले हैं 7 अगस्त 2020 के लिए। टाटा मोटर्स के लेवल क्या रहेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या रहेंगे। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं सपोर्ट की। दोस्तों, हमने कल के वीडियो में बताया था कि टाटा मोटर्स अगर 117.80 का लेवल तोड़कर ऊपर सस्टेन करता है तो टाटा मोटर्स में 120 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ये हमने कल के वीडियो में बताया था। लेकिन टाटा मोटर्स वो लेवल तोड़ नहीं पाया दोस्तों, इसलिए टाटा मोटर्स ने आज कहा है 117.70 का, यानी अगर 10 पॉइंट और ऊपर चला जाता तो 120 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते थे। टाटा मोटर्स अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में, यानी 7 अगस्त के ट्रेडिंग सेशन में 115 का लेवल मतलब 115 के नीचे अगर ओपनिंग देता है तो दोस्तों हम टाटा मोटर्स में कल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और टाटा मोटर्स डाउन साइड जा सकता है। लेकिन अगर दोस्तों 116.80 के ऊपर टाटा मोटर्स ओपनिंग देता है और 118 के लेवल तोड़ देता है तो हमको कल के ही ट्रेडिंग सेशन में 120 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आपका पहला रेजिस्टेंस रहेगा 118, दूसरा रेजिस्टेंस 120 और तीसरा रेजिस्टेंस 123 कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में 120 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ से अपसाइड रैली आती है तो 120 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर यहाँ से टाटा मोटर्स नीचे आता है तो हमको कल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इन लेवल्स पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे रह करें कल ट्रेड करें। दोस्तों, टाटा मोटर्स को पहला सपोर्ट रहेगा 115। अगर टाटा मोटर्स क्रॉस कर देता है तो उसके लिए पहला सपोर्ट रहेगा 112, दूसरा 109 का और तीसरा 106 का। दोस्तों, हम अगर ऑप्शन चेन एनालिसिस की भी बात करें, आपके सामने ऑप्शन का चार्ट ओपन हो गया है। दोस्तों, हम यहां पर देख सकते हैं कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा देखने को हमको मिल सकता है और पुट साइड में यहां पर पुट्स की अनवाइंडिंग होते हुए हमको दिख रही है। दोस्तों, तो हमको कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए 115 के अगर ऊपर ओपन होता है तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 117.50, दूसरा टारगेट रहेगा 120 और अगर डाउन साइड जाता है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 115.14 और उसके बाद का टारगेट रहेगा डाउन साइड में 112 का। तो दोस्तों, इन लेवल्स पे ध्यान रखिए। और दोस्तों, अगर आपने हमारा कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप कल का वीडियो देख सकते हैं, यानी 6 अगस्त का। उसमें हमने बताया था कि अगर टाटा मोटर्स 120 के लेवल को तोड़ के ऊपर जाता है तो टाटा मोटर्स में एक बहुत बड़ी रैली हमको देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। टाटा मोटर्स में अगर किसी ने पोजीशन बनाए रखी है तो पोजीशन बनाए रखिए, लेकिन अगर 112 का लेवल टूटता है तो आप अपनी पोजीशन काट सकते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए पहला टारगेट 117, दूसरा 120 का और डाउन साइड में अगर 115 तोड़कर नीचे जाता है टाटा मोटर्स तो 114.50
और 111 तक के लेवल हम देखने को मिल सकते हैं टाटा मोटर्स में। तो दोस्तों, ये वीडियो खाली एजुकेशन पर्पस के लिए, आप अपने स्टडी पे ट्रेड कीजिए, लेकिन इन सपोर्ट्स को और लेवल्स को भूलना नहीं है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इनके ही दायरे में कल ट्रेड करें। तो दोस्तों, कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए शुभकामनाएं। बाय दोस्तों।